Hello students, today we are going to discuss our chapter, that is chapter number 4, and the name of the chapter is skeletal system and muscular system. So today we will discuss about the skeletal system. So in yesterday topics we have studied about the circulatory system, about the nervous system. In systems ke baare mein humne discuss kiya tha. So, अपना अपने सिस्टम का अपना अपना जो है वो रोल है. अगर इसमें से जैसे अगर नर्वस सिस्टम ना हो तो नर्वस सिस्टम में जो भी हमने स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू मेमोराइजेशन कि हम हमारी मेमोरीज क्या करती हैं, कैसे हम रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में पढ़ा था. जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में कैसे पॉसिबल है, वो कैसे हो रहा है, वो कहाँ पे हमारा ब्लड जो है वो कहाँ से आ रहा है एंड कहाँ पे उसकी जो पूरी बॉडी में वो कैसे फ्लो कर रहा है. सो इन टुडेज टॉपिक दैट इज ए स्केलेटल सिस्टम एंड इन स्केलेटल सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल द स्केलेटल इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट होल्ड्स आवर बॉडी अपराइट. अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली स्टैंड नहीं कर पाएगी. देखो स्केलेटल सिस्टम में जैसे बोन्स के रिलेटेड है, ये बोन्स कार्टिलेजेस जॉइंट्स इसी के रिलेटेड है. अगर बोन्स नहीं होंगे हमारी बॉडी में तब क्या होगा, ओनली मसल्स ही होंगे और मसल्स जो है वो उससे हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली स्टैंड नहीं कर पाएगी. सो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस. बोन्स और कार्टिलेजेस जो है वो टू टाइप से कंसिस्ट करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम. कार्टिलेजेस दैट आर अ फ्लेक्सिबल सब्सटेंस दैट इज नॉट सो हार्ड एज बोन. अब देखो बोन्स जो है, हम अगर अपने बोन्स को टच करें तो बोन्स जो है वो हार्ड होती है, बट कार्टिलेज जो है वो हार्ड नहीं होंगे, दैट आर फ्लेक्सिबल. सो नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. अब मेन जो है कि हमारे स्केलेटल सिस्टम का फंक्शंस क्या है, वो कहाँ कहाँ पे प्रॉपरली कहाँ कहाँ पे वो उसका फंक्शंस जो है वो कर रहा है. सबसे पहले है फर्स्ट वन इज प्रॉपर शेप. स्केलेटल सिस्टम इट गिव्स द सपोर्ट एंड अ शेप टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे के रख रहा है जिसकी वजह से हम कोई भी वर्क जो है, अगर हमने वॉक करना है, अगर हमने सिट करना है, रन करना है, दौड़ना है, चलना है, बैठ कोई भी कोई वर्क करना है, वो जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारी हेल्प कर रहा है. सेकेंड वन इज प्रोटेक्ट्स आवर वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स. वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हमारी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको ये हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करके रख रहा है, बचा के रख रहा है. थर्ड वन इज इट अलाउज अस टू मूव. जैसे पहले भी बताया मैंने कि अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हम सबसे पहले तो हम प्रॉपरली स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, और जब हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे तो वी कैन नॉट मूव, वी कैन नॉट डू एनी वर्क. नेक्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ स्केलेटन. अब हमारे स्केलेटन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जो हमारे स्केलेटन है उसके पार्ट्स हैं स्कल, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, शोल्डर ब्लेड, आर्म बोन्स, पेल्विस एंड लेग बोन्स. सो टुडे वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी स्केलेटन पार्ट्स ऑफ स्केलेटन वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ स्कल. स्कल दिस वन, जो स्कल जो है हमारे हेड को प्रोटेक्ट करके रख रही है, हमारे हेड को बचा के रख रही है कि कोई भी जब कोई इंजरी लगे होने तो स्कल जो है कि कोई भी हमारी कोई भी अगर इंजरी हो रही है तो एकदम से वो उसके ऊपर अटैक, हमारे हेड के ऊपर अटैक ना करे. सो स्कल इज अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड. सेकेंड वन इज इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. हमारे ब्रेन को इसने प्रोटेक्ट करके रखा है. थर्ड वन इज इट कंसिस्ट ऑफ 22 डिफरेंट बोन्स. अब स्कल में भी हमारे जो या दिस वन इज अ स्कल, स्कल में भी 22 बोन्स जो हैं स्मॉल बोन्स हैं दैट आर प्रेजेंट. सेकेंड वन इज रिब्स.
Now ribs are thin curved bones. Curved bones means like this. This type. और ये जो होंगी यहां से जॉइंटेड है लाइक दिस 24 रिब्स आर प्रेजेंट हियर 24 रिब्स है मींस 12 पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट हियर एंड इट जॉइन टू द बैकबोन एट द बैक एंड चेस्ट इन द फ्रंट. अब जब हमारे ये पूरे ऐसे करके रिब्स जो है वो कवर होती हैं, जब वो बैक में जब वो ज्वाइंट हो रही है तो हमारी बैकबोन के साथ ज्वाइंटेड है और जब वो आगे है हमारी चेस्ट के साथ वो ज्वाइंटेड है. सो दीज आर 12 पेयर्स. नेक्स्ट वन इज स्टर्नम. स्टर्नम इज ए फ्लैट मिडल ऑफ द चेस्ट. यहाँ पे हमारी जैसे चेस्ट के मिडल में प्रेजेंट है स्टर्नम एंड इट फॉर्म्स अ रिब केज प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स. और ये हमारे जो हमारे ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट है, हमारा लंग्स है, उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रख रहा है. नेक्स्ट वन इज वर्टिब्रल कॉलम. Next to the sternum, that is a vertebral column, and vertebral column is also known as the backbone. हमारी जो backbone होती है, like this, this one is a vertebral column. Now in vertebral column, that is also known as backbone, and 33 series bones called vertebrae. लाइक दिस ये जो मैंने ये जो है नंबर 1, 2, 3 33 इन सीरीज में होंगे. नेक्स्ट टू दिस इज शोल्डर ब्लेड. दिस वन ये जो है दिस वन इज आर शोल्डर ब्लेड एंड शोल्डर ब्लेड कनेक्ट्स द आर्म बोन एंड द कॉलर बोन. दिस वन इज आर कॉलर बोन और ये हमारी आर्म बोन है. अब शोल्डर ब्लेड ने क्या किया कि हमारी जो कोलर बोन है और हमारी आर्म बोन है इस दोनों को कंपेयर करके कनेक्ट करके रखा है इन दोनों को. एंड इट ऑल्सो हैज ए ज्वाइंट दैट अलोस मूवमेंट इन द आर्म्स. और इसमें ज्वाइंट्स जो प्रेजेंट हो गए जिसकी वजह से हमारी आर्म्स की मूवमेंट जो है दैट इज अ पॉसिबल. नेक्स्ट वन इज आर्म बोन्स. अब हमारी आर्म्स में कितनी बोन्स होती हैं और कौन कौन सी बोन्स होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अपर आर्म देयर आर टू बोन्स वन एंड सेकंड. वन इज दैट वन इज कॉल्ड ह्यूमरस. यहाँ पे हमारे जो ऊपर ये दिस वन इज ए जॉइंट. इस जॉइंट से ऊपर जो होगी हमारी ये ह्यूमरस बोन और यहाँ पे ओनली वन ही बोन प्रेजेंट होती है. नीचे वाली जो आ गई दैट आर टू बोन्स. रेडियस वन इज नोन एज रेडियस एंड सेकेंड वन इज नोन एज अल्ना. जो ऊपर वाली आ गई हमारी दैट इज अ ह्यूमरस. जो नीचे वाली जो बोन्स होंगी देर आर टू बोन्स आर प्रेजेंट एंड नेम्ड एज रेडियस एंड अल्ना. एंड दीज आर द लोअर बोन्स बिटवीन द एल्बो एंड द रिस्ट. दिस वन इज अ एल्बो एंड दिस इज अ रिस्ट. एल्बो और रिस्ट के बीच में जो प्रेजेंट होंगी दैट आर नोन एज रेडियस एंड अल्ना बोन्स. Now next to this is pelvis and thigh bone. Pelvis and thigh bone are legs are attached to a strong ring like shaped structure that is called a pelvis. उसको हम क्या बोलते हैं pelvis. Next to the pelvis is lower leg bones. अब हमारी legs की bone जैसे हमने arms bone के बारे में बताया तो arms bones में कितनी है वन जो है एक ऊपर आ गई और टू bones जो आ गई वो नीचे आ गई. सेम एज दैट ऑफ जो हमारी लेग की बोन्स होंगी वो भी देर आर वन बोन इन अपर एंड दैट इज कॉल्ड टिबिया. एंड जो हमारी नीचे की जो बोन होगी नी के नीचे की जो बोन होगी दैट इज कॉल्ड फिबुला. एंड आर फुट कंटेन्स 26 स्मॉल बोन्स. जो हमारा फुट होता है उसमें 26 जो बोन्स हैं दैट आर प्रेजेंट. और जो हमारा हैंड है जब हमने आर्म्स बोन के बारे में पढ़ा तो आर्म्स बोन में एक आ गई हमारी ह्यूमरस
इसको हम ह्यूमरस बोलेंगे, इसको हम रेडियस और अल्ना बोलेंगे. इन आर हैंड देर इज ए रिस्ट, दिस वन इज ए पाम एंड दिस वन दीज आर फिंगर्स एंड थंब एंड दीज आर द 27 बोन्स आर प्रेजेंट, स्मॉल बोन्स आर प्रेजेंट इन आर हैंड. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू अवर टॉपिक दैट इज द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम. एंड रिगार्डिंग दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ बोन्स. आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स. सो इन टाइप्स ऑफ बोन्स देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बोन्स में है. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग बोन्स. सेकेंड वन इज शॉर्ट बोन्स. आफ्टर दैट इररेगुलर बोन्स. एंड फोर्थ वन इज फ्लैट बोन्स. सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इरेगुलर बोन्स एंड फ्लैट बोन्स. सो टूडे वी विल डिस्कस ऑल द इन डिटेल ऑल द फोर टाइप्स ऑफ बोन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन इज अ लॉन्गर एंड सिलेंड्रिकल बोन इन द बॉडी. अब ये जो होगी लॉन्ग बोन होगी लाइक दिस एंड सिलेंड्रिकल इन शेप. दिस वन इज अ लॉन्ग बोन. इट इंक्रीज द रेंज ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरस, टिबिया, फिमर एंड अल्ना. ये जो हमारी लेग बोन्स हैं, हमारी आर्म बोन्स हैं, दीज आर द लॉन्ग बोन्स. Long bones are the examples of long bones are humerus, tibia, femur and ulna. Second is short bones. अब short bones जो होंगी name से ही clear है, they are short. For example, that are present in our hand, in our wrist, in our ankles. So these are wide and long. सबसे पहले तो ये होंगी wide. Wide means like this. Breadth में जा रहा होंगी. एंड लॉन्ग और क्या होंगी, लॉन्ग होंगी. एंड फाउंड इन आर रिस्ट एंड अल्ना. अब हमारे रिस्ट जो है और हमारे जो एंकल्स हैं उसमें ये जो शॉर्ट बोन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं. दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी विद द लिटिल नो मूवमेंट. अब देखो जब भी हम उसे मूवमेंट जो कर रहे हैं, अगर हैंड्स की रिस्ट बोन्स जो हैं लाइक दिस, ये जो है मूवमेंट जो कर रहे हैं, दैट इज द पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट बोन्स. नेक्स्ट वन इज फ्लैट बोन्स. आफ्टर दैट थर्ड टाइप ऑफ बोन इज फ्लैट बोन्स. फ्लैट बोन्स आर फ्लैट, ब्रॉड एंड प्लेट लाइक बोन. अब देखो नेम से क्लियर है कि फ्लैट बोन है तो फ्लैट होंगी. एंड दीज आर प्रेजेंट इन आर स्कल. हमारी जो स्कल है, स्कल में ये फ्लैट बोन्स जो है ये प्रेजेंट होती है. दीज आर रिब्स, स्कल एंड बोन्स ऑफ द शोल्डर. स्कल में प्रेजेंट होती है ये फ्लैट बोन्स जो हमारे ये शोल्डर हैं, शोल्डर में प्रेजेंट होती हैं. एंड इन आर रिब्स. रिब्स हमने पढ़ा था इन लास्ट टॉपिक में कि देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. स्टार्टिंग इन द फ्रंट दे अटैच विद द चेस्ट एंड इन द बैक दे आर अटैच विद द बैक बोन. सो ये जो है ये कौन सी बोन्स होंगी, हमारी रिब्स में भी फ्लैट बोन्स होंगी. आफ्टर दैट फ्लैट बोन्स देर आर इररेगुलर बोन्स. उसके बाद जो है वो इररेगुलर बोन्स है. फोर्थ वन इररेगुलर बोन्स. अभी इररेगुलर जो बोन्स हैं ये इनका अरेंजमेंट जो है वो इररेगुलर सा होगा लाइक दिस. एंड इररेगुलर बोन्स हैव वेरियस शेप्स एंड साइज. द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रे आर एग्जांपल्स ऑफ द बोन्स ऑफ द इररेगुलर बोन्स. जैसे हमने वर्टिब्रे की बोन्स को पढ़ा था
तो वर्टिब्रे जो हमारी बैकबोन के जो बोन्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, लाइक दिस. सो दीज आर द इरेगुलर बोन्स. आफ्टर दैट जॉइंट्स. अब इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट्स. अब जॉइंट क्या है, जब हमने अगर किसी भी जैसे कोई भी चीज है ये किसके साथ अटैच होगी, दिस इज अ जॉइंट. यहां पे ये जो अटैचमेंट है दिस वन इज अ जॉइंट. सो अ जॉइंट इज ए प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स जॉइन टुगेदर. जहां पे कोई भी टू बोन्स हैं या फिर टू से ज्यादा हैं, जब वो एक वन एंड अनदर से जब वो जॉइंटेड हैं, जब वो मिल रही हैं, दीज आर द जॉइंट. दे आर द जॉइंट्स. नाउ द जॉइंट्स आर ऑफ ऑल्सो हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज ए बॉल लाइक बोन दैट फिट्स इनटू द अनदर सॉकेट शेप्ड बोन. अब जैसे इसमें क्या होगा, बॉल लाइक की अपीयरेंस होगी. अब जो दूसरा जो जॉइंट होगा वो इसके अंदर लाइक ये जो है इसके अंदर जो है वो एडजस्ट होगा. दिस इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. एंड द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स. नेक्स्ट टू दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट. नेक्स्ट वन इज पाइवोट जॉइंट. दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. अब जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है, जो हमारी बैक बोन के दैट इज नॉन एज द वर्टिब्रल कॉलम, इसके यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड बोन जो होगी वहां पे ये पाइवोट जॉइंट जो है वो प्रेजेंट होगा. After the pivot joint, next one is hinge joint. Now it is a joint that between two bones only in a single direction. अब देखो, जब अगर कोई भी single direction में है, एक ही side को two joints हैं, उस joint को वहां पे जब ये attached होंगे that is known as the hinge जॉइंट. ये जो है जैसे हमारी जो लेग्स की नीज जो होती हैं उसमें जो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हिंज जॉइंट. नेक्स्ट टू द हिंज जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. इट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट, वन बोन स्लाइड्स ओवर द अनदर. लाइक जैसे ये कोई बोन है, अब इसके ऊपर जो है वो सेकेंड बोन होगी. दिस वन इज अ ग्लाइडिंग. इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइंडिंग जॉइंट. एंड ग्लाइंडिंग जॉइंट इज एग्जांपल, ये जो है ये हमारी रिस्ट में प्रेजेंट होती है. दिस जॉइंट इज नोन एज द ग्लाइंडिंग जॉइंट. सो थैंक यू.